Once upon a time on foot gun. Switzerland in comparison to Wales and Turkey second पे इसलिए डाली गई है. बाकी टीम मुझे लगता है कि रशिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 2018 के वर्ल्ड कप में भी उनको हमने देखा था सेमीफाइनल तक आए थे रशिया. हमने अपना दाव यूक्रेन पे लगाया है. तो रख दो, चलो क्रोएशिया को फर्स्ट पे रख देते हैं अपन. स्पेन विल फिनिश फर्स्ट. हाँ, स्पेन विल फिनिश फर्स्ट. Hey guys, I'm Nitin. Hi Pulkit. And back with another episode of Gary Talks. And today we're going to discuss कि round of 16 में क्या हो सकता है. Discuss ही करेंगे, क्योंकि तेरे कहने predict किया था वो तो सही हुआ नहीं पिछली बार. ठीक है ना. तो first match है Wales vs Denmark. तो Wales vs Denmark में ना पहले अपन stats की बात कर लेते हैं. पिछले 10 matches में Wales 4 जीती है, Denmark 6. उसके अलावा इनका प्रीवियस मैच में डेनमार्क ने वेल्स को 2-1 से हराया था. उसके अलावा पिछले 3 कॉम्पिटिटिव मैचेस के अंदर डेनमार्क 3 जीती है. और तो और सबसे खराब बात यह है कि एम्स्टरडम में खेले गए पिछले 2 मैचेस में वेल्स हारी है. तो कायदे से देखा जाए तो हिस्ट्री डेनमार्क के साथ है, पर अगर अपन गेम प्ले की बात करें तो डेनमार्क जो है वो पोजिशन गेम खेलती है, बॉल अपने पास रखना पसंद करती है, बॉल अपने पास रख के बिल्डअप करती है, तब जाके आगे अटैक करती है. पर वेल्स एग्जैक्टली उनकी उल्टी है, वो वेट करते हैं प्रेस होने का, आराम से बॉल एकदम से बीच में लेते हैं और काउंटर अटैक पे वो लोग खेलने की कोशिश करते हैं. उनके पास इसी वो यही रीजन है कि बेल है तो वो तेज भागता है तो उनका काउंटर अटैक अधिकतर सक्सेसफुल हो जाता है. बट देखो क्या होता है, मुझे लगता है कि बहुत 50-50 गेम होने वाला है, क्योंकि वेल्स अपना सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने के लिए एक बहुत 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 क्लोज गेम खेलने, बहुत क्लोज टक्कर देने की कोशिश करेगी. बट वी वुड लाइक टू प्लेस आवर बेट्स ऑन डेनमार्क. डेनमार्क हाँ, मुझे लगता है कि डेनमार्क शायद क्वालिफाई कर जाएगी इस बार. आई थिंक डेनमार्क इज गोना डिफीट वेल्स विद द स्कोर ऑफ 1-2. दिस इज व्हाट आई बिलीव. 1-2 और 1-3 मे बी. 1-3 डेनमार्क 3 गोल मार सकती है. इटली वर्सेस ऑस्ट्रिया में पहले तो देखने की बात यह है कि इटली हैज फिनिश्ड फर्स्ट इन देयर ग्रुप, वेयर एज ऑस्ट्रिया हैज फिनिश्ड सेकंड. आई मीन वी प्रिडिक्टेड डिफरेंटली, बट ठीक है, ऑस्ट्रिया मैनेज्ड टू फिनिश सेकंड. तो स्टार्ट से ही कहते हैं कि इटली हैज गॉन अनडिफीटेड इन द लास्ट 13 मीट्स बिटवीन दीज टू कंट्रीज. उसके अलावा ऑस्ट्रिया मैनेज्ड टू डिफीट इटली इन 1960 द लास्ट टाइम. Upon it, the last time Austria managed to qualify for the knockout games was in 1954. तो football qualifications और Austria का तो पता है मुझे पास नहीं, एक history नजर आ रही है, कुछ recent update तो है नहीं उसमें. But ठीक है, I'm happy for the team. आप दिया नहीं Austria का, तो लेकिन मुझे लगता है कि game play भी नहीं देगा, क्योंकि Italy इस वक्त एक अच्छे form में है. ऐसा नहीं कि Italy एक individual talent पे आगे चल रही है, उनके पास हर पोजीशन पे, अधिकतर पोजीशन पे अच्छे प्लेयर्स. जैसे आप देखो एक यंग प्लेयर है कीएजा, एंड ही इज वेरी गुड एट ड्रिबलिंग मल्टीपल प्लेयर्स. हमने उसको यूवेंटस में भी देखा खेलते हुए. उनके पास मिडफील्ड में मार्कस वेराटी है, हमने देखे उसने इस बार कितने असिस्ट किए हैं अपने ग्रुप स्टेज मैचेस के अंदर. तो दे आर अ गुड बैलेंस टीम, एंड आई थिंक दे विल डिफीट ऑस्ट्रिया. एंड मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोग, अधिकतर लोग यही सोच रहे हैं कि इटली विल डिफीट ऑस्ट्रिया. And so हमें लगता है कि Italy will qualify in this round. So it's going to be a one-sided match. Yes, I can say pretty much. Okay. Score predictions क्या होंगे? 3-0. 3-0. Yeah, मुझे लगता है कि Austria थोड़ा बहुत कोशिश तो करेगी. 3-1 तक तो जाएगा. देखो, अच्छा यार, मैं तो चाहता हूँ 3-3 मार दे यार. जितना अच्छा मैच हो, लेकिन I think 3-0 will be the final score of Italy versus Austria. Czech Republic defeated Netherlands the last time they met. The score was 3-2. And also in the last two competitive matches they met, Czech managed to defeat Netherlands. They managed, but that was history. मुझे पहली बार ऐसा, मतलब first time मुझे ऐसा लगा कि यार इस बार मुझे लगता नहीं है कि Czech हरा पाएगी Netherlands, क्योंकि Netherlands एक ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी टीम है,
उनके पास डिफेंस में जैसे वैन डाइक की इस बार कमी है जो कि दिख रही है थोड़ी बहुत, लेकिन उनके पास एक अच्छे प्लेयर्स हैं मिडफील्ड में से डेयोंग है, और उनके अटैक में जीजी वैनाल्डम खेल रहा है जिसने लिवरपूल को मतलब जिताया था बार्सिलोना के खिलाफ, और तो एक बैलेंस टीम है, एक बेटर टीम है चेक से ऑन पेपर्स एंड ऑन फील्ड। सो आई थिंक नीदरलैंड विल क्वालिफाई दिस राउंड। सी ऑनेस्टली आई बिलीव कि शेक, सुसेक, कुडेला, नोवाक, चेक इज नोवेयर बिहाइंड नीदरलैंड्स। नो डाउट ऑन पेपर्स वी फील दैट नीदरलैंड्स इज अ बेटर टीम क्योंकि उन्होंने अपने स्टेज में फर्स्ट फिनिश किया है, बट आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी टफ कंपटीशन, वेरी 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 टफ कंपटीशन। हो सकता है कि क्योंकि यार मेन तो यार उनका वैन डाइक है ना वो नहीं है इस बार क्योंकि उसने वो इंजर्ड है, पता नहीं क्या वो लिवरपूल के रिकवर कर रहा है या क्या कर रहा है, लेकिन इस बार आई थिंक पर आई स्टिल बिलीव कि नीदरलैंड क्वालिफाई करेगी क्योंकि अच्छा गेम खेलती है, ब्यूटीफुल गेम खेलती है, पासिंग गेम खेलती है, और आई थिंक दे विल विन दिस राउंड। मैं अपनी बेट्स नीदरलैंड पे लगाना चाहूंगा। What do you think the score is gonna be? I think it's 3-2 Netherlands. 3-2 Netherlands. मुझे लगता है जो भी टीम जीतेगी 1-0 से जीतेगी। It's gonna be a very tough match. Let's see. वैसे prediction में दोनों तो अच्छे हैं नहीं अपन। Lukaku, Jota, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Hazard, Ronaldo. तो अगर बात करें बेल्जियम वर्सेस पोर्चुगल की, तो पिछले 5 मैचेस की अगर बात करें जब ये दोनों टीमें मिली थी तो पोर्चुगल मैनेज टू विन ऑल 5 ऑफ देम, बट बेल्जियम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एंड दिस इज अ कप एंड एनीथिंग कैन हैपन ऑन अ फुटबॉल फील्ड, सो वी नॉट गोना गो ऑल इन विद पोर्चुगल, वी आर गोना डिस्कस द फैक्ट्स हियर। तो अगर आप ध्यान दो तो मुझे लगता है कि ये वो मैच है कि जो आप जरूर देखना चाहोगे, एक एंटरटेनिंग गेम होगा, क्योंकि पिछले मैंने कुछ मैचेस अब पोर्चुगल के देखे तो मुझे लगा कि पोर्चुगल एक बहुत एंटरटेनिंग गेम खेल रही है। जैसा मैंने जर्मनी के खिलाफ देखा था तो वो लोग अंडर प्रेशर जरूर क्रैक कर जाते हैं कि जब जर्मनी ने गोल मारना चालू किया तो उनके गोल पड़ते चले गए, लेकिन उसके बीच में पोर्चुगल की क्रिएटिविटी कहीं नहीं जा रही थी क्योंकि उसका रीजन है ब्रूनो फर्नांडिस और बर्नांडो सिल्वा और डिएगो जोटा। हाँ कभी कभार वो बंदा ऐसा होता है कि वो यार ज्यादा बॉल रख लेता है, पास नहीं करता, बट उसमें वो एक फैक्टर है कि वो जिता सकता है, आगे जाके गेम चेंजिंग प्लेयर बन सकता है। पहली मुझे ना ऐसा लगता है कि जैसे बेल्जियम की पूरी टीम है ना वो कहीं ना कहीं केविन डी ब्रुयना और लुकाकू पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि हजार्ड तो फॉर्म में है नहीं। एग्जैक्टली वो वाला मैच देखा था जिसमें केविन डी ब्रुयना एज अ सब्स्टिट्यूट ऑन हुआ था और 1-0 से 2-1 हो गया था मैच, वही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने की प्लेयर्स के ऊपर। एग्जैक्टली की प्लेयर्स और उनके मिडफील्ड के ऊपर। एग्जैक्टली हाँ, बट पहली बार पोर्चुगल का गेम देख के कहीं नहीं लग रहा क्योंकि उन्होंने फ्रांस को बड़ी टक्कर दी। हाँ, उन्होंने जर्मनी को दबा के रखा था। हाँ, वो कहीं से भी उनके गेम प्ले से ये नहीं लग रहा कि वो सिंगल प्लेयर पे डिपेंड है। जर्मनी वाले मैच में भी 2 गोल ओन गोल हो गए पोर्चुगल में, नहीं तो वो मैच एक बहुत अच्छा मैच होता, शायद मोस्ट प्रोबेबली 2-2 होता या फिर शायद पोर्चुगल जीत जाती। लेकिन और अपन ने पिछले कुछ सालों में देखा है कि पोर्चुगल कितनी CR7 डिपेंडेंट टीम थी, 2012 में देख लो, 10 में देख लो, आप पिछले 2014 का वर्ल्ड कप देखा तब भी देख लो, 18, लेकिन इस बार लग रहा है क्योंकि उनके पास वास्तव में प्लेयर्स हैं, मिडफील्ड संभालने को बैठे हैं ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नांडो सिल्वा जो कि एक अच्छी टीम के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो अपने प्रीमियर लीग में टॉप में खेल रहे हैं, आगे डिएगो जोटा और उनका वो एक यंग अटैकर है जाओ फेलिक्स, वो इंजर्ड है पर वो भी काफी एक कॉन्फिडेंट बंदा है जो गेम को चेंज कर सकता है। अगर जाओ फेलिक्स को हम लोगों ने अपनी अंडर 21 वाली वीडियो में इसलिए नहीं डालता कि बिकॉज़ ही इज जस्ट टर्न 21, वरना ही इज आल्सो अ प्लेयर वी वांटेड टू पुट आवर आई ऑन। हम ये तो मानिए मानते हैं कि उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर कोई बात नहीं हमारे लिए थी। सो हियर वी वुड अगेन लाइक टू गो इन विद पोर्चुगल क्योंकि CR7 फैन बॉय। नहीं, बिकॉज़ दोनों ने थर्ड फिनिश किया अपनी अपने ग्रुप के अंदर एंड बेल्जियम फिनिश्ड फर्स्ट, बट कहीं ना कहीं वी हैव टू सी द टीम्स दे वर फेसिंग एंड दे डिड नॉट अंडर परफॉर्म। हाँ तो मुझे लगता है पोर्चुगल 2-1 आई वांटेड टू गो इनटू 2-0 बट मुझे लगता है कि इट्स गोना बी बेल्जियम मार देगा यार, इट्स गोना बी अ वेरी 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 डिफिकल्ट गेम। And one of the most interesting and entertaining, so you should watch that game.
और एक चीज और है कि आप लोग कमेंट में डाल के हमको बता सकते हैं कि आप लोग क्या फील करते हैं कि कौन सी टीम का क्या प्रेडिक्शन रहेगा आपकी तरफ से, और हम लोग अगले वीडियो में शाउट आउट देंगे जो भी लोग करेक्ट प्रेडिक्ट करेंगे। अनदर मैच बिटवीन टू वेरी इंटरेस्टिंगली स्ट्रॉन्ग टीम्स, स्पेन एंड क्रोएशिया। फैक्ट्स में ना मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि क्रोएशिया हैज नॉट मैनेज टू क्वालिफाई, आई मीन नॉट क्वालिफाई, नॉट गेट थ्रू द नॉकआउट्स इन द लास्ट थ्री टाइम्स दे गॉट इनटू नॉकआउट्स। हाँ, बट वो बात सिर्फ यूरोस की है क्योंकि वर्ल्ड कप में तो लोग फाइनल तक गए थे, वर्ल्ड कप में तो गए थे। तो मुझे लगता है कि इट्स अ 50-50 गेम बिकॉज़ स्पेन इज नॉट इन देयर टॉप फॉर्म। हाँ, लास्ट मैच में उन्होंने 5 गोल जरूर मारे हैं, बट वो टीम भी स्लोवाकिया थी, तो अपन ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि यार हाँ ठीक है 5 गोल मार दे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्रोएशिया आई थिंक क्रोएशिया कैन टर्न टेबल दिस टाइम। दे हैव इवान राकिटिच, लुका मॉड्रिच, माज़ुकिच। यू नो माज़ुकिच हैज अ 57% कन्वर्जन रेट इन एरियल ड्यूल्स। Exactly. It's one of the highest in the world. और स्ट्राइकर और है भाई, वो हेड कॉर्नर से गोल मार सकता है। So it's a very strong team. So it's gonna be a very 50-50 kind of match. Spain though is missing Ramos की mentality, the stability they have जब Ramos team में खेलता है, जब when Ramos leads their team, but they don't have an option now. Also they're not in their very top form. It's not their fault. The whole team had to go through COVID just before the Euros, right? Just no, I mean during the practice sessions. In fact, कुछ तो practice match miss करे थे ना उन्होंने। हाँ, so again, but still they've played really well. They've fought really well. So this is gonna be a very interesting match. और दोनों team हैं, ball रखना पसंद करती है, position game खेलती, तो एक position battle भी देखने को मिलेगा। But I think अगर हम in the end बात करें तो शायद Spain, I think Spain will qualify. But let's see what happens. So prediction क्या लगता है आपको कि क्या रहेगा final score? Spain not in the top form. Croatia has the strong team, but we are placing our bets on Spain. So I think you know what? I feel it's gonna be a draw and then ये penalties या फिर extra time ना? हाँ हो सकता है it can be a draw. So अगर हम ड्रॉ भी कंसीडर करें तो हमें लगता है कि शायद 1-1 ड्रॉ हो सकता है। 1-1 ड्रॉ हो सकता है। फ्रांस वर्सेस स्विट्जरलैंड। लेट्स टॉक अबाउट द अंडरडॉग टीम फर्स्ट। सो स्विट्जरलैंड, जिनके की प्लेयर्स हैं शकीरी एंड ज़ाका, दे आर इन अ वेरी गुड फॉर्म। आई मीन फ्रांस की टीम की क्या बात करनी है, एम्बापे, कांते, जिरू, वारान, पोग्बा, Griezmann, Benzema, तो उनकी टीम तो भरी पड़ी है, तो let's just keep them aside. And let's talk about the facts here. In the last 7 meets, France has never lost. They've never lost. But इनका जो previous meetup था, it went in a goalless draw, which was also in Euro 16. तो Euro 16 में दोनों ने 0-0 draw किया था। उसके अलावा फ्रांस क्यों स्ट्रॉन्ग टीम है अभी, क्योंकि पिछले 17 मैचेस में से एक ही मैच हारी है फ्रांस, तो दे आर इन अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग फॉर्म। आफ्टर इटली हमें कह सकते हैं कि हाँ, ये वन साइडेड मैच है काइंड ऑफ कि फ्रांस जीतेगी, पर मुझे लगता है कि फ्रांस अभी तक भी अपने टॉप फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जितने प्लेयर्स उनके पास हैं, अगर अटैक में एम्बापे, ग्रीजमैन, अगर और मिड में पोग्बा, कांते तो छोड़ता ही नहीं है। कांते के लिए ऐसे कहते हैं कि 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर एंड रेस्ट बाय कांते। उस बंदे के भाई इसे अंदर दो लंग्स है उसके पास, एक थोड़ा ना उसके पास, दो सबके पास होते हैं दो पेयर ऑफ लंग्स हैं तो यार अभी फ्रांस अपने टॉप फॉर्म में नहीं है, और अगर मुझे लगता है कि होगी तो किसी टीम को बख्शेगी नहीं। सो मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि फ्रांस अपने टॉप फॉर्म में वापस आ जाए, तो लेट्स देखो क्या होता है। सो 3-0 क्लीन, हाँ 3-0 आई थिंक क्लीन, या फिर 2-0 भी, पर चलो 3-0 पे लगाते हैं। 3-0 अब ग्रीजमान, बेंजेमा, ग्रीजमान दो गोल मारेगा, बेंजेमा एक तो मारेगा ही ना। हाँ तो है, और एम्बापे के बीच फूटेगा एम्बापे। England versus Germany, another very close call. And you know what? I'm not saying it out of the air. When I say close call,
अगर अपन इनके लास्ट 32 मैचेस देखें तो दे वन 13 असाइड, दोनों टीम्स ने 13 13 मैचेस जीते हैं और 6 मैचेस इनके ड्रॉ हुए हैं, तो दे इक्वली स्ट्रॉन्ग टीम्स नो डाउट। ऑन पेपर्स अगर अपन बात करें तो दोनों की रैंकिंग बहुत अलग है, जर्मनी नंबर 10th पे है, इंग्लैंड नंबर 6th पे है, बट देन दे वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स एंड दे आर इक्वली स्ट्रॉन्ग टीम्स। एग्जैक्ट, और इंग्लैंड ने तो ग्रो किया है पिछले कुछ टाइम में यार, इंग्लैंड इज इन वन ऑफ देयर बेस्ट फॉर्म्स एज ऑफ नाउ, और जर्मनी कंपैरेटिवली वीक नजर आ रही है। मतलब अगर मैं पिछले 15 साल में कहूँ ना, 2005 से लेकर 2020 तक, तो मैं कभी नहीं कह सकता था कि इंग्लैंड को एक मेजर टूर्नामेंट जीत सकती थी, ना 2008 का यूरो, ना 2006 का वर्ल्ड कप, ना 2010 का वर्ल्ड कप, ना 2014 का वर्ल्ड कप। पर फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि उनके पास ऐसी टीम है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं इस बार। और हमने पिछली बार 2018 में भी देखा था कि वो क्वार्टर फाइनल तक आए थे इंग्लैंड। जर्मनी माइट नॉट बी इन इट्स टॉप फॉर्म, बट अ स्लाइटली वीक जर्मनी कैन बेंड एनी टीम टू बो। इंग्लैंड अपन टॉप फॉर्म में है, बट इट्स गोना बी अ रियली क्लोज कॉल, दिस मैच कैन गो एनीवेयर। जर्मनी जर्मनी वाली जो बात है ना कि दे कैन बेंड एनी टीम इवन व्हेन दे आर वीक, इट्स ट्रू। क्योंकि जो पोर्चुगल जर्मनी वाला जो मैच था उसके अंदर पोर्चुगल वाज स्ट्रांग इन द फर्स्ट हाफ, बट जर्मनी स्टिल स्कोर्ड द 4 गोल्स। वो पता नहीं पोर्चुगल अंडर प्रेशर क्रैक करी है जो भी हुआ है, पर जर्मनी डिड दैट एंड आई थिंक दैट शोज दैट हाउ जर्मन प्लेयर्स कैन फक एनीवन। सो दोनों टीम अटैकिंग खेलना पसंद करती है, दोनों छड़के खेलती है, स्पेसेस को बहुत टाइट रखती है, पासिंग लाइन अच्छी होती है, पासिंग अच्छी करती है। सो इट कैन बी एक्सट्रीमली बोरिंग मैच और इट कैन बी एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग मैच। So let's see what happens. मुझे लगता है कि Germany will qualify. मुझे लगता है ना कि this is gonna go to the penalties. या तो ये 2-1 रहेगा और it's gonna go 2-2, जिसमें एक final minute goal हो जाएगा England का and then penalty में देखा जाएगा क्या हो रहा है। हाँ, हो सकता है penalty में, तो it's a 50-50 you can say, but I'll still go for Germany. Germany. Germinators. हो गए तुम लोग स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड। स्वीडन वर्सेस यूक्रेन। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई वुड लाइक टू प्लेस माई बेट्स ऑन स्वीडन फॉर अ रीजन कि दे हैव प्लेड रियली गुड फुटबॉल। दे मैनेज टू गो अहेड ऑफ स्पेन, दे फिनिश देयर टेबल फर्स्ट विच वॉज अ सॉलिड सरप्राइज फॉर मी। Exactly. मैंने सोचा नहीं था कि स्वीडन आगे चली जाएगी, उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छे गेम खेले हैं, बहुत बहुत अच्छा। आप देखो ना उनके पिछले लास्ट 8 गेम जो वो लोग हारे नहीं है उसमें से 6 में तो उसके गोलकीपर ने क्लीन शीट रखी है। रॉबिन पार्सन, आई एम अ बिग 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 फैन। एग्जैक्टली, बिग फैन, वास्तव में। बट गेम प्ले स्टाइल की बात करें अगर, तो स्वीडन लव्स टू प्ले डिफेंसिव गेम। वो लोग पीछे रहेंगे, पीछे दबा के रखेंगे, आप लोग नहीं चढ़ पाओगे, जगह नहीं छोड़ेंगे आपको पासेस के लिए। बिल्कुल, और काउंटर पे कोशिश करेंगे। वो अपने एक फॉरवर्ड इसाक पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट तो नहीं कहूंगा, उनका स्टाइल ऑफ प्ले वो है कि दे विल लुक फॉर अ काउंटर एंड डिफेंड अंटिल देन। बस बीच में पास इंटरसेप्ट किया और काउंटर लेके बस भागो बॉल लेके। और इसाक इज रियली फास्ट, इज रियली फास्ट, जो ही टोटली मैनेजेस टू ड्रिबल ऑफ डिफेंडर्स एंड देन स्कोर व्हेनेवर नीडेड और क्रिएट अ चांस फॉर स्वीडन। वैसे स्वीडन बहुत स्ट्रॉन्ग है डिफेंसिव इस बार, जैसे मैंने सारे मैच देखे, पर फिर भी वो वाला मैच देखना उसमें पोलैंड से खेले थे वो लोग। अब पोलैंड में क्या है, पोलैंड के जो प्लेयर्स है वो थोड़े से फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, सेम गोज विद यूक्रेन, और उस फिजिकली स्ट्रांग होने की वजह से स्वीडन के प्लेयर्स को प्रॉब्लम हुई थी। लेवेंडोव्स्की ने तो नाक में दम कर रखा था इनके। हाँ, वो हिली वाला, वो हिला ही नहीं पा रहे थे उसको यार। तो मुझे लगता है कि यूक्रेन के जो प्लेयर्स हैं वो फिजिकली स्ट्रांग है, तो ये उनका एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। और यूक्रेन भी ऐसा नहीं है कि एकदम ही पिछड़ी हुई टीम है, उसने भी क्वालिफाई करी है, पोटेंशियल है हाँ, कि भाई हम भी खेल सकते हैं। So it can go other way also, but still we think that Sweden will qualify. और Sweden का current defense देख के ना, I would like to go for 2-0. वो bus parking वाला scene है उनका यार, वो bus park करते हो, bus के पीछे ball जा ही नहीं सकती। पर you know what I feel कि जो Yarmolenko का Yaremchuk जो इनके
यूक्रेन की जो फॉरवर्ड जोड़ी है दे आर रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच. उसके अलावा उनके मिड में रुस्लाव माइकोला, दे हैव गॉट अ गुड पोटेंशियल टीम विच कैन गेट थ्रू. बट फॉर नाउ आई थिंक आई वुड लव टू गो इन विद स्वीडन. आई वांट टू सी स्वीडन प्लेइंग. मतलब मुझे लगा था कि ज्लातान नहीं है तो इस बार उनको बहुत फर्क पड़ेगा, बट दे लिटरली प्ले रियली वेल. सो यार एक को अगर कोई टीम अच्छा कैरेक्टर शो कर रही है और जीत रही है तो आई थिंक वी शुड गो विद द टीम. सो आई थिंक स्वीडन विल विन दिस मैच 3-1. आई वांट टू गो मोर विद 2-0. 2-0 हां ऑफ कोर्स, क्योंकि वी हैव डाल्सन. हां यार वो कीपर है यार, रोक लेगा वो. I wanna go in with 2-0. Okay. अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारी आपसे विनती है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर बार बड़े प्यार से बोलते कोई नहीं सुनता था. नहीं तो बाय.